Assalamualaikum, नमस्ते, सस्रियाकाल। अब सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। सेफ रहो, खुश रहो। सबको ईद मुबारक। होप यू हैव अ हैप्पी एंड हेल्थी ईयर अहेड। ऑल माय लव, जैकी। मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत ईद मुबारक। बहुत सारी बिरयानी खाएं, शिरकुर्मा खाएं और बहुत सारी ईदी जमा करें। हाय, दिस सलमान खान और आपको मेरी और बीइंग ह्यूमन की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। एवरीबॉडी विशिंग यू ऑल ईद मुबारक फ्रॉम बेला वियना। बेला वियना बोलो ईद मुबारक। ईद मौजूदा। बोलो ईद मुबारक बेला। ईद मौजूदा। ओके, ईद ईद मुबारक। नैन आप बोलो ईद ईद मुबारक। Rak. Yeah. Yeah. Wish you happy Eid. Say happy Eid. Happy Eid. नमस्कार, मेरी तरफ से आप सब भाइयों और बहनों को ईद की बहुत बहुत मुबारक। मैं चाहूंगा कि इस नए साल में हम सब स्वस्थ रहें, खुश रहें और हमारा काम अच्छी तरह पूरी तरह शुरू हो जाए। फिर कहूंगा ईद की बहुत बहुत मुबारक। हाय दोस्तों, मैं हूँ राजपाल और हमारे पूरे देश और हमारी पूरी दुनिया के सभी लोगों को बहुत बहुत ईद की तहे दिल से मुबारकबाद। सब स्वस्थ रहिए कोरोना रूपी माहौल में। सब लोग जो है एक फाइटर का काम करिए, एक एक सिपाही का काम करिए। एक एक बच्चे को नमन करता हूं और बस ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूं कि इस बार ईद जो हम लोगों की शुरू हो वो सबके लिए बहुत खुशहाली लेकर आए और कोरोना के बाद हम लोगों को नया जीवन जीने का एक बहुत शक्तिशाली मौका मिले। सबके लिए शुभकामनाएं। लव यू ऑल। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, सुरक्षित रहिए। तो आप सबको ईद मुबारक एंड मे दिस ईयर यू गेट ऑल द हैप्पीनेस, पीस, प्रॉस्पेरिटी। एंड अपना ध्यान रखें, अपने फैमिली का ध्यान रखें। दिस आर डिफिकल्ट टाइम्स एंड आई एम श्योर ये भी चले जाएंगे। So have a great day. Once again, Eid Mubarak to all of you. God bless you. Tere naal jeena mainu tere naal, marna mainu tere naal, tere naal. May God always bless you with peace, happiness and prosperity. Eid Mubarak, guys. Eid Mubarak. Eid Mubarak. Eid Mubarak, all of you. नमस्कार, आप सभी को ईद मुबारक। आप सबकी दुआएं कबूल हों। मे दिस बी अ हैप्पियर एंड अ पीसफुल वर्ल्ड। गॉड ब्लेस। ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम, सभी को बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद। ये रमजान का महीना बड़ा सिंपल था, ईद भी बड़ी सिंपल है। ईद मुबारक आप सभी को। ईद मुबारक सबको। दिल से दुआ। दिल से दुआ। Please see the film. It's a film made with a lot of love. Please do see it. The film is releasing tomorrow on June 5th. And Eid Mubarak. Thank you. Thank you. Wishing all the viewers a very happy Eid. Thank you. Sab fans ko, sab viewers ko Eid Mubarak. Sabhi ko Eid bahut bahut Mubarak ho. Khushhali laaye. Aur sara Bharat, videsh, desh, videsh, jitne bhi log hain, sab log khush rahein. Eid Mubarak. Thank you. चल मुबारकबाद। पहले तो सबको मुबारकबाद, आज आप लोग आए हैं, ईद मुबारक। और सुभाष जी भारत के लिए आए हैं, उसके लिए शुक्रिया। आप लोग सबको ऑल माय लव। ज़्यादा कुछ बोलने को नहीं। आज ईद है और फिल्म का नाम भारत है, तो इस फिल्म का प्रीमियर होना बड़ा ही स्पेशल लग रहा है। यू आर एब्सोल्युटली राइट। बहुत खुशी है, सलमान भाई की फिल्म है, ईद के अवसर पर आ रही है। फुल एंटरटेनमेंट फिल्म है, विद इमोशन, फैमिली सबके साथ, तो बहुत बहुत एक्साइटेड हैं हम लोग। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। आप सभी को ईद मुबारक। तकब्बल्लाहु मिन्ना व मिनकुम सालिहुल अमाल।
ये रात हमारे लिए बहुत बहुत फजीलत की रात है, आज की रात हमारे लिए, इसे ललितुल जायज़ा भी कहते हैं, जिसे कहते हैं इनाम की रात। तो इस रात हमें नियत करके 2 रकात नफिल पढ़नी है, हाजत और तौबा की एक साथ नियत करके। तो आप पहले सना पढ़ोगे, अलहमदो पढ़ोगे और सुरा काफिरून पढ़ोगे, फिर आप रुकू में जाके सजदे में जाओगे, और जब आप वापस आओगे 2 सजदा करके, फिर आप अलहमदो पढ़ोगे और सुरा इखलास पढ़ोगे। इनकेस आपको काफिरून या इखलास नहीं आता, जो हम श्योर सबको आता होगा, आप कोई भी सुरा पढ़ सकते जो आपको आता है। और वो होने के बाद आप जैसे सलाम फेरोगे, आप किसी से बिना बात करे, ना फ़ोन, ना घर वालों से, किसी से नहीं, आप तस्बीह लोगे और 100 की तस्बीह पढ़ोगे। तो आप ये पढ़ोगे या तवाबू या करीमू, ये दोनों को आप ज्वाइन करके भी एक ही तस्बीह में 2 नाम ले सकते हो, उसे आपको 100 बार पढ़ना है। और इसकी बहुत फजीलत है, एक तो अल्लाह हमारे सारे गुनाहों को माफ़ करे, दूसरा हमें जादू से बचा के रखे, जो जादू है, नज़र है, इनसे हमें बचा के रखता है, तीसरा हमारी रोज़ी में बरकत देता है, इंशाल्लाह हमें हलाल रोज़ी अल्लाह पाक नसीब अता फरमाए और हलाल रोज़ी पे ही रखे, और यू नो जिसका नहीं है शायद आगे जाके उनके लिए अल्लाह पाक ऐसे कुछ रास्ते खोल दे कि सिर्फ और सिर्फ हलाल रोज़ी पे रहे। और चौथा, जिनकी औलाद नहीं है, बहुत सारे बे औलाद हैं और औलाद की यू नो ख्वाहिश रखते हैं, तो अल्लाह पाक उनकी उनकी गोदे भर दे, उन्हें एक अच्छा नेक औलाद दे आगे के लिए। और जिनकी शादियां नहीं हुई हैं, जिनको अभी तक अपने जोड़े नहीं मिले, अल्लाह पाक उन्हें नेक जोड़ों से उन्हें मिला दे। तो बस आप ये करिए, ये नियत करिए और सबके लिए दुआ कीजिए।